बहुत ही मज़ेदार इमली का ठंडा शरबत रेडी है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इमली के शरबत की रेसिपी। इमली का शरबत बनाने के लिए मैंने एक पाव इमली ली थी, उसको रात भर पानी में भिगो दिया था, पानी 2 कप पानी डाल के, और उसके बाद उसको अच्छी तरह हाथ से मैश करके उसका पल्प निकाल लिया है स्ट्रेनर में डाल के। चले अब हम इमली का शरबत बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है, इसमें हम सबसे पहले 1/2 लीटर पानी ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर ही हम इसमें ये इमली का पल्प ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे और 1/2 kg इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे, 2 कप। इसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और इसको पकने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ताकि चीनी भी डिजॉल्व हो जाए और जो हमारा ये शरबत है थोड़ा थिक सा हो जाए। इमली का शरबत जो होता है ठंडा होता है गर्मी में, जैसा कि आजकल गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो ये शरबत जरूर बनाइएगा। 15 से 20 मिनट तक हमने इसे पका लिया है, देखें ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और चीनी भी अच्छी तरह डिजॉल्व हो चुकी है, यानी ये जितना पानी था उसका 1/2 रह चुका है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और किसी एयर टाइट बर्तन में इसको डाल के बंद कर देंगे। इमली का शरबत रेडी हो गया, हमने इसे बोतल में डाल लिया है। अब हम सबसे पहले ग्लास में सर्व करने के लिए बर्फ ऐड करेंगे। और इसमें हम 3 टेबलस्पून ये इमली का शरबत ऐड कर देंगे। और इसमें हम चिल्ड वाटर ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार इमली का ठंडा शरबत रेडी है।